ये सभी व्यक्ति विभिन्न उम्र समूहों, जाति, स्थान एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, किंतु इनमें एक चीज समान है, ये सभी HIV से संक्रमित हैं। एड्स की कोई सीमा नहीं होती। ये सारे बंधनों से परे होकर पुरुषों, महिलाओं, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, किसी को भी हो सकता है। अब आगे हेलो मित्रों, HIV एवं पारिवारिक शिक्षा के इस पाठ्यक्रम में आपने विभिन्न विषयों जैसे पारिवारिक जीवन शिक्षा, HIV एड्स, सब्सटेंस अब्यूज यानी मादक द्रव्य दुरुपयोग, इनके संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में लेख पढ़े हैं। ये इस पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक भाग था। अब आपसे अपने इच्छा अनुसार विभिन्न इकाइयों एवं उप विषयों पर आधारित प्रोजेक्ट वर्क यानी परियोजना कार्य अपेक्षित है। प्रोजेक्ट करते समय विभिन्न लक्ष्य समूहों को ध्यान में रखना होता है। कुछ प्रोजेक्ट एक किंतु विस्तृत रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन लिखने तक सीमित होते हैं, जबकि अन्य में 2 से 3 रिपोर्ट का समावेश एक ही समय में होता है। आज के कार्यक्रम में हम लोग प्रथम 4 विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम विकल्प से शुरुआत करते हैं। इस विकल्प के अंदर आपको अपने पाठ्यक्रम सामग्रियों में से किसी एक विषय पर प्रोजेक्ट करना होगा। आप अपनी इच्छानुसार विषय का चयन कर सकते हैं, किंतु विषय का चयन करते समय विभिन्न तथ्यों जैसे विषय की प्रासंगिकता, विषय से संबद्ध साहित्य की उपलब्धता, समय एवं आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। अब हम प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। अप्रत्यक्ष पद्धति, ये व्यवस्थित तरीके से नई सूचना प्राप्त करने में सहायता करती है। योजनाबद्ध तरीका, ये नए तथ्यों का संग्रहण, आंकड़ों का सारणीकरण एवं विश्लेषण और प्राप्त परिणामों पर परिचर्चा के लिए होता है। प्राप्त परिणामों को शोध निबंध के रूप में जमा करना होता है। जो निरीक्षक आपके प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे, उनकी स्वीकृति मिलने पर आप अपना प्रोजेक्ट वर्क आरम्भ कर सकते हैं। अब हम प्रोजेक्ट वर्क में शामिल कदमों पर चर्चा करेंगे। पहला एवं बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है विषय का चयन। हर एक को अपनी रुचि के विषय को चुनना चाहिए और उसके लिए आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो। पूरा पाठ्यक्रम सामग्री एक संदर्भ के तौर पर होता है और हर इकाई या उप इकाई भी एक विषय के रूप में लिया जा सकता है। इस तरीके से आपके पास लगभग 100 विषय आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। आपके इच्छानुसार विषय चुनने के बाद अपने निरीक्षक से इसके बारे में चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका प्रस्ताव आदर्श रूप से लगभग 1000 शब्दों में होना चाहिए और इसमें स्पष्ट रूप से समस्याओं, लक्ष्यों, नमूनों का आकार, वर्गीकरण आदि का उल्लेख हो। निरीक्षक आपका प्रस्ताव अध्ययन कर अपनी टिप्पणी के साथ लगभग 15 दिनों के अंदर आपको वापस कर देंगे। विभिन्न टूलों की मदद से आप सूचनाओं का संग्रह करने जा रहे हैं। इसके लिए अब आपको टूल प्रिपरेशन पर कार्य आरम्भ करना चाहिए, ताकि इन टूलों में इंटरव्यू शेड्यूल एवं अवलोकन पद्धतियों आदि का आसानी से समावेश हो सके। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि साक्षात्कार अनुसूची में समुचित संख्या की में प्रश्न शामिल हो, ताकि कुछ छूटे ना। दूसरा कदम है आंकड़ों का संग्रहण, जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण आधार होता है। आपको अपने टूलों की मदद से आंकड़ों का संग्रह करना है। अपने साक्षात्कार अनुसूची को भरवाने के समय आपको उत्तर देने वाले के साथ सौहार्द संबंध बनाने की जरूरत होगी, ताकि आप उनसे अच्छे से सही प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके। संग्रहित आंकड़ों का उचित एकाग्रता के साथ विश्लेषण करना होता है, क्योंकि आपको उपयुक्त विवरण, कार्य कोड तथा आरंभिक सामग्री को व्यवस्थित ढंग से कागज पर लेना आवश्यक है, जिस पर विभिन्न सांख्यिकीय तकनीक लागू की जा सकती है। साक्षात्कार एवं केस स्टडी से जो सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं, उसे रिपोर्ट में सहायक प्रमाण के रूप में शामिल किया जा सकता है। आंकड़ों के इस विश्लेषण को एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना होता है। एक आदर्श रिपोर्ट 5 अध्याय में विभाजित किया जाता है, जैसे प्रस्तावना, रिपोर्ट की रूपरेखा एवं वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या, सुझाव, अनुशंसा, उपसंहार। ये रिपोर्ट आपको 50 पृष्ठों में जमा करना होता है। टाइपिंग एवं बाइंडिंग कार्य के अंतिम चरण से पहले अपने निरीक्षक को रिपोर्ट दिखलाना एवं उनसे मार्गदर्शन लेना न भूलें। ये काम मौलिक है एवं इसे पहले इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्था में नहीं जमा किया गया है। इससे संबद्ध घोषणा पत्र को प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है।
आपको अपने निरीक्षक से प्राप्त इसकी यथार्थता एवं मौलिकता का प्रमाण पत्र लेकर इसके साथ संलग्न करना होगा। परियोजना कार्य में स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव भी शामिल होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए नामांकन संख्या, अध्ययन कार्यक्रम, छात्र का नाम एवं पता। तो ये थे प्रोजेक्ट वर्क में शामिल मुख्य कदम। फिर से एक बार इन कदमों पर हम सरसरी निगाह डालते हैं। विषय का चयन, आंकड़ा संग्रहण के लिए टूल की तैयारी, आंकड़ा संग्रहण, संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लिखना, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब हम प्रोजेक्ट प्रपोजल की तैयारी के लिए मार्गदर्शन के बारे में सीखेंगे। प्रोजेक्ट प्रपोजल की तैयारी में पहला कदम है प्रोजेक्ट के शीर्षक का निर्णय करना। इससे प्रोजेक्ट के प्रकार एवं उसकी प्रकृति का स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरा कदम है समस्या का विवरण, जिसमें समस्या का विश्लेषण एवं प्रासंगिकता का सही सही उल्लेख होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में लक्ष्य के रूप में करने की दृढ़ता का उल्लेख करना चाहिए। आपके द्वारा लिए गए समस्या का संभावित उत्तर परिकल्पना होता है, आप इसे बच सकते हैं यदि आप सिर्फ एक लघु सर्वेक्षण करते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण के तौर पर इन कदमों का अध्ययन करते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट का शीर्षक ले रहे हैं, महाविद्यालय के छात्रों में एचआईवी एड्स की जानकारी की सीमा, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के विशेष संदर्भ में। समस्या के बयान में हमें सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा एड्स के बारे में जानकारी देने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्याख्या करनी है। ये भरपूर दावा किया जाता है कि कॉलेज के छात्र एचआईवी एड्स से जानकार हैं, जबकि ये कुछ हद तक सही है। इस विषय पर भी अब भी बहुत ज्यादा गलतफहमी एवं मतभ्रम है, इसलिए हमें इस समस्या को देखना है। हमारा मुख्य लक्ष्य होगा छात्रों के बीच एचआईवी एड्स की जानकारी की मात्रा का पता लगाना एवं साथ ही साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इस विषय पर जानकारी देने के लिए किए गए उपायों को ढूंढना। इस यूनिवर्स ऑफ स्टडी में दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिल सभी छात्र आएंगे। विभिन्न कॉलेजों से लगभग 40 छात्रों का एक सैंपल तैयार किया जा सकता है। इसमें सिर्फ स्नातक कर रहे छात्रों को लिया जाएगा। इसके बाद साक्षात्कार का संचालन किया जा सकता है और संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है। अध्ययन के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए। ये सूचना आंकड़ों के संग्रहण पर आधारित एवं लघु प्रोजेक्ट्स के बारे में थी। अगले विकल्प में 3 अध्याय आते हैं। जो छात्र इसे अपनाते हैं उन्हें इन लोगों पर प्रयत्न करना है। प्रत्येक अभ्यास 10-15 पृष्ठों का होना चाहिए। ये अभ्यास हैं: एक व्यक्ति, परिवार का केस स्टडी, एक संस्था का केस स्टडी, अपने प्रखंड, जिला, शहर में स्वास्थ्य निवारण सुविधाओं पर सर्वेक्षण रिपोर्ट। नाम, आयु, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, निवास स्थल, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो कैसे परिवार में रहता है, क्या वो संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार या एकल परिवार है, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं धर्म। इन चीजों की हमारे जिंदगी के हर पहलू पर अहम भूमिका होती है। इन आधारभूत ब्यौरों को लिखने के बाद छात्र को उन समस्याओं एवं कारणों को ढूंढना चाहिए जो एक व्यक्ति या परिवार झेलता है। एक छात्र को पत्नी, माता पिता एवं बच्चों से परस्पर बातचीत करके परिवार के सदस्यों का व्यवहार भी पता लगाना चाहिए। रिपोर्ट के अंत में शोधकर्ता की निष्पक्ष टिप्पणी एवं अवलोकन होना चाहिए, जो कि आपके केस स्टडी का महत्वपूर्ण भाग होगा। इसी तरीके से किसी संस्था का केस स्टडी व्यक्तिगत केस स्टडी के समान लिखा जाता है। जिन आवश्यक बातों पर जोर देना है वो इस प्रकार है: संस्था का नाम, पता, मुख्य संयोजक या प्रबंधक, संस्था के उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, कर्मचारियों की संख्या, आर्थिक स्रोत, संरचनात्मक सुविधाएं, मान्यता और उपलब्धियां, क्लाइंटों के प्रकार, समस्याओं के प्रकार, क्लाइंटों व कर्मचारियों से प्राप्त सूचनाएं, प्रबंधकों, कार्यकारिणी समिति, प्रशासन से प्राप्त सूचनाएं। यह हम लोग अपनी केस स्टडी में
एक गैर सरकारी संस्था सहारा होम को लेते हैं। सहारा होम एचआईवी एड्स और नशा रोधी उपचार के लिए निरंतर सराहनीय काम कर रहा है। इस संस्था ने सन 1978 में अनौपचारिक तरीके से काम करना शुरू किया और 1985 में यही संस्था औपचारिक तरीके से रजिस्टर्ड हुई। 80 के दशक की शुरुआत में गोल्डन क्रेसेंट के माध्यम से भारत में काफी मात्रा में नशीले पदार्थों का प्रवेश देखा गया। इसी वजह से मादक द्रव्य या रसायन पर आश्रित या मानसिक रूप से थोड़े गड़बड़ व्यक्तियों को उपचार सेवा देना आवश्यक हो गया। सुई द्वारा लिए जाने वाले ड्रग्स के प्रवेश के साथ एचआईवी से संबंधित संक्रामक बीमारी का भी प्रवेश हुआ और इस प्रकार एचआईवी और सुई द्वारा लिए जाने वाले नशीले पदार्थ के बीच एक कड़ी स्थापित हुई। सहारा की शुरुआत लोगों के एक ऐसे समूह के द्वारा की गई जो आध्यात्मिक रूप से प्रेरित थे तथा लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली के आसपास से कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की पहचान की तथा उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाए। शुरुआत में यह कुछ विदेशी लोगों के द्वारा चलाया गया, लेकिन बाद में जल्द ही यह कार्यक्रम भारतीय लोगों के हाथ में आ गया। यह कार्यक्रम बढ़ता गया और काफ़ी बढ़ा। मैं और मेरी पत्नी 1983 में मुंबई से यहाँ आए और 1985 तक सहारा का नेतृत्व मेरे हाथ में आ गया। 1985 में ही यह संस्था सहारा के नाम से पंजीकृत हुई, यद्यपि इसकी शुरुआत 1978 में की गई थी। हालांकि हम पति पत्नी एक पूर्णतया अलग तरह की पृष्ठभूमि से संबंधित थे, फिर भी हमने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और अपने को इस काम में पूर्णतया समर्पित कर दिया। इसलिए हम परिवार सहित सहारा की चार दीवारी में ही रहे। हमारे 3 बेटे हुए जो कि यहीं पले और बढ़े, हार्डकोर और एचआईवी पॉजिटिव लोगों के बीच में ही। हम दूसरे लोगों को दिखाना चाहते थे कि इन लोगों को सुधारा जा सकता है और इन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इस तरीके से सहारा का विस्तार हुआ और आज हमारी 33 परियोजनाएं दिल्ली, पुणे, मुंबई और मणिपुर में चल रही हैं। हमारी संस्था में 99% कर्मचारी ऐसे हैं जो कभी मादक द्रव्य का सेवन करते थे, लेकिन अब छोड़ चुके हैं और बहुत कम पैसे में पूरे देश भर में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये लोग संस्था को भली भांति चला रहे हैं। ये समाज से बहिष्कृत लोग, जिनमें से कुछ एचआईवी पॉजिटिव भी हैं, बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं कि वो दूसरे लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। भारत एक गरीब, कम साक्षर एवं कृषि प्रधान ग्रामीण आबादी वाला देश सुई एवं इससे संबद्ध आघात के तेज प्रकोप को रोकने में असमर्थ था। सहारा ने अपने उद्देश्य में मुख्य रूप से एचआईवी एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के अनोखे एवं विशेष जरूरतों को पता करने के लिए कार्यक्रम की एक रूपरेखा प्रतिपादित की और ये एचआईवी से संबंधित संक्रमण के क्षेत्र में पथ प्रदर्शकों में एक था। आज की तारीख में सहारा के पास 33 विभिन्न परियोजनाएं और 180 से अधिक एक रुचि वाले व्यक्ति हैं, जो एचआईवी से संक्रमित मादक द्रव्य लेने वाले एवं दिल्ली, पुणे, मुंबई और मणिपुर में रह रहे एचआईवी रोगी की देखभाल एवं सेवा में सतत लगे हुए हैं। अब आपके प्रखंड, जिला या शहर में स्वास्थ्य निवारण सुविधाओं पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट कैसे तैयार करें, हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। हम सभी लोग एक समाज में रहते हैं, लेकिन अपने अस्त व्यस्त जीवन शैली की वजह से सामान्यतः हम लोग अपने मोहल्ले में उपलब्ध स्वास्थ्य निवारण सुविधाओं का उपभोग करने का समय नहीं निकाल पाते। इस अभ्यास का उद्देश्य आपको अपने जिला या शहर में उपलब्ध स्वास्थ्य निवारण सुविधाओं के बारे में सभी सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता पहुंचाना है। आप सूचना 2 स्रोतों से प्राप्त कर मदद कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एवं सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स में शामिल है संरचनात्मक सुविधाएं जैसे कि भवनों की संख्या, कमरों की संख्या, बिस्तरों की संख्या, ओपीडी आदि। मानव संसाधन जैसे चिकित्सकों, नर्सों, अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों की संख्या। बाह्य सेवाएं या समुदाय आधारित सेवाएं जैसे चलता फिरता चिकित्सालय, गांव एवं स्लम समुदायों में विस्तारण कार्यक्रम।
अन्य कार्यक्रम जैसे सेमिनार का आयोजन, विज्ञप्ति या आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन। सेकेंडरी सोर्स में शामिल है स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय, जिला समाहरणालय, प्रखंड विकास कार्यालय, गैर सरकारी संस्था। इन सूचनाओं पर आधारित एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करना होता है जिसमें आपका व्यक्तिगत अवलोकन शामिल होगा। आप बेहतरी के लिए कुछ सुझाव भी प्रदान कर सकते हैं। अब तीसरे विकल्प के लिए आपके पास फिर से 3 अभ्यास हैं। प्रत्येक अभ्यास 10 से 15 पृष्ठों के होने चाहिए। ये 3 अभ्यास हैं, रहस्योद्घाटन एवं क्षेत्र भ्रमण पर एक रिपोर्ट, आपके क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाओं की निर्देशिका, प्रासंगात्मक विषयों पर एक विज्ञापन या प्रासात्मक विवरण, आपकी यात्रा का उद्देश्य। लक्ष्य समूहों का निर्धारण, अपने उद्देश्य के मुख्य बिंदुओं का निर्धारण करने से आपको संबंधित और लाभदायक तथ्य एवं आंकड़े एकत्रित करने में मदद मिलेगी। अवलोकन के लिए स्थान का निर्धारण, समूह का अभिविन्यास करना। किसी संस्था का अवलोकन शुरू करने से पहले आपको अपने समूह को ये दिशा निर्देश दे देना चाहिए कि अवलोकन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी सीमाएं क्या हैं, साथ ही वे सावधानियां जो हर प्रकार से रखनी है। तैयारी एवं कार्य योजना। एक समूह के मुखिया के तौर पर आपको संस्था की पहचान करनी है, आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी है, जाने की तिथि निश्चय करना है, यातायात का समुचित इंतजाम आदि आवश्यक है। अंतिम रूप से रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए मुख्य पृष्ठ में आपका नाम एवं नामांकन संख्या, साथ ही साथ निरीक्षण किए गए एजेंसी का नाम और पता, विषय वस्तु, विज्ञप्ति शोधकर्ता को निरीक्षण किए गए संस्था एवं विभिन्न सहायक कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, परिचय एवं पृष्ठगत सूचनाओं में निरीक्षण किए गए संस्था के क्रियाकलापों, उसके उद्गम, कर्मचारी एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाओं को शामिल करना चाहिए। मुख्य सार में एजेंसी का विस्तृत ब्यौरा, वित्तीय स्रोत, भविष्य योजनाएं, प्रबंध आदि शामिल हैं। आप अवलोकन भी लिख सकते हैं। अनुलग्नक, निरीक्षण किए गए संस्था से प्राप्त सामग्रियों को अंत में सहायक दस्तावेजों के रूप में दिया जा सकता है। इसमें हैंडआउट, पर्चे, झंडियां, पुस्तिकाएं आदि शामिल हैं। क्या आपने कभी किसी दूरभाष निर्देशिका यानी टेलीफोन डायरेक्टरी को देखा है? आपने जरूर देखा होगा। यदि आपके पास किसी व्यक्ति का नाम है और आप उनका फोन नंबर या पता चाहते हैं तो आप आसानी से दूरभाष निर्देशिका द्वारा ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थाओं या एनजीओ की निर्देशिका को तैयार करने से काफ़ी मदद मिल सकती है। यदि आप समाज सेवा से जुड़े हैं फिर भी इस तरह की निर्देशिका बनाने के समय आपको ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आप जिन भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं उसका स्पष्ट निर्णय करना जरूरी है। आपके जिला में बहुत सारे एनजीओज हैं। प्रत्येक जिला में इनका संकलन अल्फाबेटिकल या कार्य करने के क्षेत्र में, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, समाज वानिकीय आदि पर आधारित किया जा सकता है। एनजीओज की निर्देशिका को तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट है। संगठन का नाम, पता, स्थापना व पंजीकरण की तिथि, पंजीकरण संख्या, संस्था का उद्देश्य, लक्ष्य समूह तक पहुंचाने के लिए अपनाई गई कार्यविधि, प्रकाशन जैसे समाचार पत्र, मैगजीन आदि, आय का स्रोत, संबंधित प्रतिष्ठान, सहायक एजेंसी आदि। अपने इस केस स्टडी में सहारा होम संस्था को लिया है। आप इस तरीके से सूचना को रख सकते हैं, संस्था का नाम सहारा होम, पता E453 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, स्थापना की तिथि 1978, पंजीकरण की तिथि 1985, दूरभाष संख्या 2621-9147, संयोजक संपर्क व्यक्ति शांतनु चौधरी, संगठन का उद्देश्य, मादक द्रव्य, रसायन या शराब पर आश्रित लोगों को नशारोधी उपचार सेवा प्रदान करना, HIV एड्स से संक्रमित लोगों के अनोखे एवं विशेष जरूरतों को पता लगाना, प्रकाशन वी सहारा, एक मासिक पत्रिका, संबंधित प्रतिष्ठान सहारा मिडवे होम, सहारा डे केयर सेंटर, सहारा आउटरीच प्रोग्राम जामा मस्जिद, मॉडल काउंसलिंग सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल। दूसरे एनजीओ के बारे में आवश्यक जानकारी या आंकड़े साफ सुथरे ढंग से इसी प्रारूप में भरते हैं और आपकी निर्देशिका तैयार हो जाती है।
इसको आप सफाई से हाथ से लिखकर या कंप्यूटर में टाइप करके तैयार कर सकते हैं। यदि आप इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहें तो इसकी जिल्द बंधवाकर रख सकते हैं। अंततः यदि आप प्रासंगिक विषय पर एक प्रशंसात्मक विवरण देना चाहते हैं तो इसे तथ्यपूर्ण आधार देने के लिए प्रासंगिक दृष्टव्य यानी विजिबल महत्वपूर्ण होता है। इस अभ्यास के पीछे ये धारणा है कि आप लेख या शोध पत्र को तैयार करने या प्रदर्शन या प्रकाशन या किसी दान देने वाली संस्थाओं से निवेदन करने के लिए केस स्टडी की ओर अभिमुख हों। आपका प्रशंसात्मक विवरण सुझाव के रूप में इन शीर्षकों में शामिल करना चाहिए। शीर्षक, परिचय, मुख्य सार, पृष्ठगत सूचनाएं, विषय वस्तु, सुझाव, उपसंहार। मान लिया जाए हम एक विषय कार्यस्थल पर HIV लिखने के लिए चुनते हैं, या हम लोग पहले उस उम्र समूह को जो HIV/AIDS से ज्यादा प्रभावित होते हैं उसके बारे में तथ्यों का संग्रह करेंगे और ये कैसे वर्कप्लेस, सरकारी संस्थाओं, कंपनियों एवं मजदूर संग्रह में प्रवेश करते हैं। आप इन समस्याओं पर सरकार की प्रतिक्रिया एवं उनके द्वारा लिए गए कदमों को भी शामिल कर सकते हैं। आपको इस विषय पर अपने शोध के लक्ष्यों को विशिष्टता देनी है। कार्यस्थल पर HIV/AIDS की गंभीरता का अनुमान लगाना, आवश्यक कदम एवं नीतिगत फैसले की जानकारी, कार्यस्थल पर विद्यमान HIV/AIDS से निपटने हेतु कार्यनीति तय करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से कार्यस्थल पर HIV/AIDS की मौजूदगी के बारे में संगोष्ठी आयोजन कर कुछ नीतियों को निर्धारित किया है, आप उन नीतियों को भी शामिल कर सकते हैं। आप अपने सुझावों को जोड़ सकते हैं, जैसे एड्स से संबंधित कार्यस्थल शिक्षा के लिए अति आवश्यक जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई कर्मचारी एड्स के संदेह में आ जाता है या पाया जाता है तब एक डर का लहर, आतंक एवं घबराहट कार्यस्थल पर व्याप्त हो जाता है। सभी कर्मचारियों को HIV की शिक्षा एवं सहायता सेवाएं प्रदान कर और कारगर HIV नीतियों का निर्धारण कर इस भय को कम किया जा सकता है। इन सूचनाओं के अलावा आपने इस आलेख को लिखने में संदर्भ के रूप में जिन किताबों, पत्रिकाओं, विज्ञप्तियों एवं अन्य सामग्रियों का सहारा लिया उनके बारे में उल्लेख करना जरूरी है। यहाँ हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में स्थित रमतापुर गांव में चलाए गए एक सामुदायिक संगठन कार्यक्रम का अध्ययन करते हैं। ये करीब 45 परिवार वाला एक छोटा सा गांव है। इसमें लोग अधिकतर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और रोगग्रस्त हैं। यहाँ मुख्यतः कुष्ठ रोग सामान्य है। NGO की सहायता से यहाँ की ग्राम पंचायत ने जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इस अभियान का उद्देश्य था कुष्ठ के लक्षण को समझना, कुष्ठ के कारणों के बारे में ज्ञान देना और इनके रोकथाम के उपायों एवं उपचार के बारे में सूचना देना, गाँव वासियों के बीच जागरूकता पैदा करने और उन तक सूचना पहुंचाने के लिए पड़ोसी शहर के स्कूलों में ट्रेनिंग कैंप लगाया गया ताकि ये बच्चे गांव के हर घर में जाकर गाँव वासियों को जानकारी दे सके। इस गांव में कार्यरत महिला मंडली ने भी ट्रेनिंग कैंप लगाकर और साथ ही साथ गाँव के घर घर घूमकर इस कार्यक्रम में सहायता प्रदान की। एक बार फिर सामुदायिक संगठन कार्यक्रम पर रिपोर्ट लिखने में शामिल चरणों की चर्चा करें। कार्यक्रम का स्थान रमतापुर गांव, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम का उद्देश्य कुष्ठ के लक्षणों की पहचान करना, कुष्ठ के कारणों की जानकारी देना, इसके रोकथाम के उपायों की जानकारी देना। कार्यक्रम में शामिल अधिकारी, कार्यक्रम का आयोजक, ग्राम पंचायत, कुछ नौजवान स्वयंसेवक एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर किया। लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपनाए गए उपाय इसमें शामिल हैं, नौजवान स्वयंसेवकों और महिला मंडल के सदस्यों द्वारा घर घर घूमना, गांव में जागरूकता सत्र का चलाना। इन सब के अलावा आप शामिल कर सकते हैं ढांचागत सुविधाएं, कार्यक्रम का मूल्यांकन और उसके बाद की कार्यवाही। ये सूचना आपको चौथे विकल्प के बारे में दी गई। हम अपने अगले कार्यक्रम में पांचवें एवं छठे विकल्प के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम अवेयरनेस पैकेज के विकास एवं एजुकेशन एड को तैयार करने के बारे में जानकारी देंगे। अब यही समाप्त करते हैं। हमारे अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
एचआईवी और पारिवारिक शिक्षा के अध्ययन के कार्यक्रम में पहले ही एड्स के कारणों, इनके रोकथाम एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाओं के बारे में हमने चर्चा की। इनके अतिरिक्त पारिवारिक शिक्षा के महत्व एवं हम लोगों के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी बल दिया गया है। ये पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक भाग था। इसके साथ आपके पाठ्यक्रम में सुझाए गए किसी विषय पर आधारित आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कैसे तैयार करें, इसकी जानकारी प्राप्त की, केस स्टडी एवं रिपोर्ट जैसे अन्य चीजों से भी अब आप पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं। आज हम नवीन हस्तक्षेप नीतियों या पद्धतियों की मदद से अवेयरनेस पैकेज के विकास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में प्रासंगिक विषय का चयन करना आपका पहला काम है। विषय के चयन के बाद आपको विषय वस्तु से संबंधित जहां तक संभव हो सके सामग्रियों का संग्रह करना आवश्यक है। मुद्रण के साथ इसमें ऑडियो एवं वीडियो कार्यक्रमों को भी शामिल करना चाहिए। तत्पश्चात आपको तत्कालिक युक्तियों एवं पद्धतियों जिनका अनुसरण हो रहा है उसका अध्ययन एवं विश्लेषण करना चाहिए। इसमें इन कार्यनीतियों एवं पद्धतियों की सफलता असफलता की मात्रा की समीक्षा करना भी शामिल है। दूसरा कदम है लक्ष्य समूह के साथ विचार विमर्श करना एवं जरूरत के अनुकूल आवश्यक परिवर्तन लाना। अलग अलग लक्ष्य समूहों के अलग अलग मान्यताएं एवं रुख होते हैं। इस प्रकार व्यवहार उपयुक्त युक्ति को निकालने के लिए इन चीजों की समझदारी काफी महत्व रखता है। पहले चुने गए विषय पर मध्यस्थता की आवश्यकता की विवरण का तैयार करना दूसरा कदम होगा, जिसमें आपको विशिष्ट उद्देश्यों का प्रस्ताव तैयार करना होगा, प्रयोग में लाए गए युक्तियों एवं कार्यकारिणी आदि के बारे में उल्लेख करना होगा। ऐसा करने के बाद विशेषज्ञ से विचार विमर्श करना और फिर कार्यवाही को योजना की रूपरेखा देना, जरूरी पुष्टियों को पाने के लिए लोगों के एक छोटे समूह से पूर्व परीक्षण करना। यहाँ सभी लक्ष्य समूहों को एक या दूसरे प्रकार के हस्तक्षेप नीति की जरूरत है। इसके महत्व पर बल दिया जाता है। उन लक्ष्य समूहों के अतिरिक्त हमारे देश में शहरी, ग्रामीण एवं आदिवासी की भी आबादी है। उन्हें इस शिक्षा हेतु पूर्णतः अलग तरीके की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए एक ही प्रकार की शिक्षा सामग्रियों की तैयारी अथवा सभी लक्ष्य समूहों के लिए एक सामान्य नीति को ग्रहण करना अनुपयुक्त होगा। प्रमुख आवश्यकता है लक्ष्य समूह के पहचान की। उसके बाद लक्ष्य समूह का प्रारंभिक सर्वेक्षण अपेक्षित है। ये इसलिए किया जाता है ताकि उनकी शिक्षा का स्तर, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमि एवं पारंपरिक रिवाजों की जानकारी प्राप्त की जा सके। अगला कदम है विशेषज्ञों के एक समूह निर्माण का। इन लक्ष्य समूहों में से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जाना चाहिए। उसके बाद एक प्रायोगिक कार्य योजना का निर्माण होना चाहिए। जिस विषय पर शिक्षा सामग्री निर्माण करने की आवश्यकता है उसका स्पष्ट चित्र अंकित करना वांछित है। ऐसे कार्यक्रम हेतु उसके लक्ष्य एवं आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। इस क्रम में अगला कदम ऐसे किसी हस्तक्षेप की संभाव्यता के प्रसंग समूह विशेष के साथ विचार विमर्श होना चाहिए। इस कार्य के लिए हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करना लाजमी है, यद्यपि उनका सहयोग सीमित ही क्यों न हो। इसके लिए जो भी सामग्री तैयार करना आवश्यक है उस पर मंतव्य हेतु विशेषज्ञों की मदद प्राप्त करनी भी आवश्यक है ताकि अधिकाधिक संभावित गलतियों को टाला जा सके। अंततः इन सभी कार्यों के लिए सही तरीका तथा संचार माध्यमों का समुचित चयन नितांत आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे कि संचार हमेशा शब्दों के बोल से नहीं होता। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी हमसे संचार करती हैं। केवल व्याख्या दूसरे तरीके से होती है।